मैंने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी थी, वो आपको सुनाता हूँ। अक्सर मैं आपको सुनाता रहता हूँ, फिर से दोहराता हूँ। एक पिता अपने बेटों को कहता है, उसके दो बेटे थे। एक पिता ने बेटों को बुलाया, बेटा अब हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तुम्हें कुछ काम सौंप के जा रहे हैं। बेटा हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो केवल 2 एकड़ जमीन थी। बाप की संपत्ति कितनी थी? 2 एकड़ खेत। तो बाप जाने लगा तीर्थ यात्रा में, तो 1 एकड़ बड़े बेटे को दे दिया, 1 एकड़ छोटे बेटे को दे दिया, और एक मुट्ठी गेहूं भर के बड़े बेटे को दिया, 1 मुट्ठी गेहूं भर के छोटे बेटे को दिया। हो गया बेटा बंटवारा, ये खेत तुम्हारा, मुट्ठी भर गेहूं तुम्हारे पास, मुट्ठी भर गेहूं तुम्हारे पास। बाप बोला तुम अपना संभालना, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। बाप देकर चला गया। एक बेटा बोला, अरे राम राम, मेरे पिता ने क्या दिया, सबके बाप सोना चांदी देते और मेरे बाप ने मुट्ठी भर गेहूं दिया, ये गेहूं से क्या होगा। एक बेटे ने गेहूं गुस्से में फेंक दिया, नहीं मुट्ठी भर गेहूं किस काम का। पर एक बेटा समझदार था, उसको लगा मुट्ठी भर गेहूं पिता ने दिया है, इसको संजो के रखना चाहिए। तो उसने अपने खेत की छोटी सी जगह पर वो मुट्ठी भर गेहूं बो दिए, बोया फसल हुई, मुट्ठी भर गेहूं से किलो भर गेहूं हो गया। हाँ, किलो भर गेहूं को खेत में बोया तो किलो भर से 50 किलो हो गया, 50 किलो बोया तो 4-5 कुंटल हुआ, जो भी उसका हिसाब था हो गया। कुंटलों से फिर 50 कुंटल, फिर 100 कुंटल, उसने खेत एक था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो दूसरा उसका इतना खर्चीला था, वो अपना बाप का दिया खेत भी बेच दिया, गेहूं भी फेंक दिया। बोले बाप ने कुछ दिए ही नहीं, ये कोई संपत्ति है। और दूसरा उस एक मुट्ठी गेहूं से बढ़ाता कारोबार बढ़ाता, आज हजारों कुंटल गेहूं का मालिक है, खेत भी बढ़ा रहा, 1 एकड़ से उसने 100 एकड़ प्रॉपर्टी बना ली। 20 साल बाद उसका बूढ़ा बाप लाठी लेकर लौटा, पूछा मेरे बच्चे कहाँ हो। दोनों बच्चे आए, पिताजी हम यहाँ हैं। एक बच्चा बड़ा समझदार था, बड़ा अच्छे घर में रहता था, और छोटा बड़ा परेशान रो रहा था। पिता ने कहा तू रोता क्यों है। पिताजी आपने तो कुछ दिया नहीं। पिता ने कहा बेटा मैंने तो दोनों को बराबर दिया था, ये तेरे पास जो गेहूं दिया था कहाँ है। उसने कहा मैंने तो फेंक दिया, एक मुट्ठी गेहूं से क्या होता है। दूसरे से कहा तेरा गेहूं कहाँ है, तो उसने ले जाकर हजारों कुंटल गेहूं दिखाए। बोले पिताजी ये रहे आपके 1 मुट्ठी गेहूं, इस 1 मुट्ठी गेहूं से मैंने 1000 कुंटल गेहूं बना लिए, ये प्रॉपर्टी बनाई। कहने का अर्थ यह है, यदि आप में योग्यता है, काबिलियत है, तो आप 1 मुट्ठी गेहूं से 1000 कुंटल बनाने की ताकत रखेंगे, और आप में योग्यता नहीं है तो 1000 कुंटल आपके पास गेहूं हो, और आपके पास 50 और 100 एकड़ जमीन हो, बड़ी संपत्ति हो, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, जब जिम्मेदारी देंगे तब पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने योग्य हैं और कितने अयोग्य हैं। यदि अयोग्य हैं तो उन्हें फिर योग्य बनाने की शिक्षा दो, और योग्य बन गए हैं तो फिर आप निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन कीजिए।